हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ भाग्यलक्ष्मी अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाएंगे व्हाइट पास्ता बिल्कुल इजी तरीके से और बिल्कुल कोई भी सामान से नहीं, घर के सामान से बनाएंगे। बहुत ही ईजिली बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होगा। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। बनाने के लिए हमने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में हमने पानी डाल के उबलने रख दिया है और ये पास्ता लिया है हमने, मैक्रोनी पास्ता। आपको जो पास्ता आपके पास अवेलेबल हो वही इस पास्ता से बनाएं। पानी हमारा उबल चुका था तो हम इसमें पास्ता डाल दिए हैं और इसे अच्छे से 15 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो अब ये उबल चुका है, देख सकते हो। तो इसे अभी हो चुका है, लगभग मेरा पक चुका है आधा, और थोड़ी देर तक पकाएंगे, 5 मिनट और पकाएंगे। आप देख सकते हो कितना इजीली ये पक चुका है और इतना सॉफ्ट हो चुका है। इतना ही सॉफ्ट रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसे हम स्ट्रेनर में डाल के धो लेते हैं, अच्छे से 3-4 पानी से धो के रख देते हैं। हमने पैन ले लिया है, पैन में 2 चम्मच बटर डाल दिया है और अच्छे से बटर को पिघला लिए हैं और ताव कम कर दिए, आँच कम कर दे, धीमा आँच करें। और इसमें 1 चम्मच हमने मैदा डाला है, वाइट सॉस बनाने के लिए हमने मैदा लिया है 1 चम्मच, और इसे अच्छे से धीमी आँच पर फ्राई करेंगे। हमारा मैदा फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छे से धीमी आँच पे हमने फ्राई कर लिया इसको। अब इसमें हम दूध डालेंगे, तो 1 गिलास हमने इसमें दूध डाला है। बहुत अच्छे से हिलाते हुए दूध डालें जिससे गुठलियाँ ना पड़े, और इसे बहुत अच्छे से डाल के इसे पूरा चलाएंगे और धीमी आँच पे ही इसे बनाएंगे। तो इसमें हमने नमक डाल दिया है, नमक थोड़ी सी डालें। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है बहुत अच्छे से। इसमें हमने काली मिर्च की पाउडर डाला है जो ताज़ा क्रश करके डाले, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो आप देखिए ये हो चुका है, जिसको हम साइड में रख देंगे अब ठंडा होने के लिए थोड़ी देर। और इसके लिए तड़का बना लेते हैं हम इसमें डालने के लिए। तो उसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में हमने तेल डाला है 2 चम्मच और वो गर्म हो चुका है। उसमें हरी मिर्च, लहसुन कटी हुई, बारीक कटी हुई लहसुन डाला है, ग्रेट किया हुआ अदरक डाल के इसे अच्छे से लाल कर लेंगे और बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो इस समय हरी सब्जी भी ऐड कर सकते हो, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स, आपको जो भी सब्जी है ऐड करना हो इस समय ऐड कर सकते हो। हमारा प्याज लाल हो चुका था, हमने इसे साइड कर दिया और सॉस वाले पैन में फिर से हमने पास्ता डाल दिया जिसे हम उबाल के रखे थे और धो के। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ, बहुत अच्छे से हमने सॉस के साथ इसे मिक्स कर लिया है। अब जो तड़का हमने बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़ी सी और नमक हमने ऐड किया है हल्का सा पास्ता के लिए, और इसे इसमें ऐड कर देंगे तड़का और इसे अच्छे से चला लेंगे। तो अब हम इसमें चीज़ क्यूब डालेंगे, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो डाल सकते हो आप। तो हम इसमें 2 चीज़ क्यूब डालेंगे, इसमें इस तरीके से तोड़ तोड़ के हम चीज़ डाल दे रहे हैं। इस पास्ता में चीज़ डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देखिए काली मिर्च हमने डाल दिया, फिर से इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हमने एक चीज़ इसमें डाल दिया चीज़ क्यूब तोड़ के। तो चीज़ बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, तो आप चीज़ ज़्यादा ही डालें और बच्चों को खिलाएं, ये पास्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। और सब्जी आप चाहे तो हरी वेजिटेबल भी डाल सकते हो अगर आपके बच्चे खाए। मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए हमने इसमें नहीं डाला वेजिटेबल, आप चाहो तो डाल सकते हो। और ये चिली फ्लेक्स है जो हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, आप चाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप चिली फ्लेक्स ज़रूर डालें। आपके पास अगर पिज़्ज़ा हब्स हो वो भी डाल सकते हो आप, जिससे बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो हमने नहीं डाला है। पिज़्ज़ा हब्स भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर डालें। पिज़्ज़ा सीजनिंग सब इसमें डालें, बहुत ही टेस्टी बनता है ये इस तरीके से वाइट पास्ता। आप ज़रूर अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है।
अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल बटन पे भी ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।